कानपुर निकाय चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। यहाँ डिंपल और शिवपाल के प्रचार के बाद अब अखिलेश मोर्चा संभालेंगे और रोड शो करेंगे। अखिलेश के रोड शो को देखते हुए कानपुर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। इधर सीएम योगी का भी आज कानपुर में रैली होने वाली है और ऐसे में एडवाइजरी यहाँ पर जारी कर दी गई है। अखिलेश यादव आज कानपुर दौरे पर है, यहाँ पर सपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। और आपको बता दें कि लगातार प्रचार का दौर जारी है और आज सपा अध्यक्ष रोड शो भी करने वाले हैं। निकाय चुनाव की काउंटिंग 13 मई को होनी है, लेकिन स्ट्रांग रूम के बाहर प्रत्याशियों का पहरा देखा जा रहा है। सपा के मेयर पद के प्रत्याशी ओपी सिंह पहाड़िया इलाके में बने स्ट्रांग रूम के बाहर 8 घंटे की 3 शिफ्ट में कार्यकर्ताओं से पहरा दिलवा रहे, जिससे किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न सामने आए। और वहीं प्रशासन की ओर से सीसीटीवी के जरिए स्ट्रांग रूम पर नजर रखी जा रही है। सपा के मेयर प्रत्याशी ओपी सिंह से एबीपी गंगा संवाददाता नवीन पांडे ने खास बातचीत की, आपको सुनवाते। 13 मई को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम से होगा, लेकिन ईवीएम की सुरक्षा के लिए राजनीतिक पार्टियों का पहरा चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी ओपी सिंह, जो लगातार 3 शिफ्ट में ईवीएम जहां रखा हुआ स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा लगाए हुए हैं। ओम प्रकाश जी, किस तरह से पहरा चल रहा है? पहरा ये जिस दिन से वोटिंग हुई है उसी के दूसरे दिन से सीसीटीवी लगा हुआ है। जहाँ सीसीटीवी का स्क्रीन लगा है वहाँ से स्ट्रांग रूम की दूरी कुछ ज़्यादा ही है, तो जो भी सीसीटीवी में दिख रहा है उस पर तो पहरा चल रहा है, लेकिन जहाँ स्ट्रांग रूम है वहाँ तक जो देख रेख करने वाले हैं लोग वहाँ तक वो जा नहीं पा रहे हैं। मेरा ये मानना है कि सीसीटीवी के साथ साथ वो सीधे सीधे स्ट्रांग रूम भी दिखना चाहिए। ऐसे जगह पर भी ये व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे सीधे सीधे सीसीटीवी। किसी बात की आशंका है, क्यों पहरा आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, पिछले दिनों जो विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके के सिनेरियो देखने के मिली, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी पूरी मुस्तैदी से स्ट्रांग रूम के तरह निगाह लगाई हुई है और देख रेख में कहीं कोई चुक न हो समाजवादी पार्टी के साथ ही यहाँ रहते हैं। कितने शिफ्ट लगी हुई है? 3 लोगों को इन लोगों द्वारा जो है अनुमति दिया गया है, 8-8 घंटे के में 3 लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। आप खुद मॉनिटरिंग करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिन में भी आता हूँ और रात में भी आता हूँ, लगातार मेरी निगाह सीसीटीवी कैमरे पर है। विशेष साथ नवीन पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।